प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभातखबर.com में आपका स्वागत है। कोरोना संकट से जूझ रहे देश के लिए रविवार का दिन सबसे खास रहा। दरअसल देश भर में कोरोना से लड़ने वाले कर्मवीरों को सूरवीरों ने शुक्रिया कहा। सेना के तीनों अंगों के जवान, कोरोना को शिकस्त देने में जुड़े हजारों डॉक्टर्स, नर्सों और मेडिकल स्टाफ समेत सफाई कर्मी और दूसरे फ्रंट लाइन योद्धाओं पर पुष्प बरसा कर रहे हैं। यह अनूठा नज़ारा देश के हर हिस्से में देखने को मिला। दिल्ली के पुलिस वॉर मेमोरियल में सलामी देने के साथ ही इस अनोखे कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। आसमान से गिरते हर फूल के साथ कोरोना वॉरियर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही संदेश था, और वो था शुक्रिया का। खास बात यह रही कि वायुसेना के विमानों ने राजपथ पर कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए सभी फ्रंट लाइन वर्कर्स को फ्लाईपास्ट देकर सलामी दी। वहीं फ्लाईपास्ट, कोविड अस्पतालों पर पुष्प बरसा, युद्ध पोतों को रोशन करने और सेना के बैंड ने विशेष धुन बजाई। कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टर, नर्स समेत सभी चिकित्सा कर्मियों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों और अन्य आवश्यक सेवाओं के लोगों के सम्मान में रविवार को दिनभर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। सेना ने रविवार के आयोजन के लिए खास इंतजाम भी किए थे। आसमान से वायुसेना के सूरवीरों ने कोरोना वॉरियर्स को शुक्रिया कहा। इस दौरान श्रीनगर से त्रिवेंद्रम जबकि डिब्रूगढ़ से कच्छ तक फ्लाई पास्ट किया गया। इस खास मिशन में भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट विमान और फाइटर जेट शामिल रहे। नेवी के हेलीकॉप्टर्स ने अस्पतालों पर पुष्प बरसा की, जबकि देश के लगभग सभी जिलों के कोविड अस्पतालों में भारतीय सेना ने विशेष धुन बजाई। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, पटना, लखनऊ, अहमदाबाद, गुवाहाटी, चंडीगढ़, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, रांची, कोयम्बटूर समेत दूसरे शहरों में भारतीय वायुसेना ने फ्लाईपास्ट किया। खास बात यह रही कि दिल्ली के राजपथ पर 26 जनवरी जैसा नज़ारा देखने को मिला। बंगाल की खाड़ी में तैनात भारतीय युद्धपोत ने अपने अनूठे अंदाज में कर्मवीरों को सलामी दी। बता दें, भारत में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। सारी कोशिशें कोरोना संक्रमण को खत्म करने की है। इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभातखबर.com। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।